मार्शमेलोस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ड्यूटी आफ्टर स्कूल के पार्ट 3 को। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उसे जरूर देखना, ताकि आपको स्टोरी जलेबी की तरह गोल मटोल ना लगे और अच्छे से समझ आए। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि बाकी स्टूडेंट्स भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए जिमिन के साथ ट्रक में बैठे हुए थे। इस सीन में हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो क्रिएचर से बचने के लिए गैराज में गाड़ी ढूंढते हैं। उन्हें पता था कि वो क्रिएचर अभी भी उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा था। वो उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पड़े डीवीडी प्लेयर और टीवी को चलाकर घर से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। पर अफसोस, इस क्रिएचर को सब समझ आ जाता है और वो इनके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ हम एक इमोशनल सीन देखते हैं। दरअसल जब ये सब यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, उस वक्त इनके बीच इस बारे में बातचीत होती है कि किसी न किसी को तो क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा, तभी बाकी के लोग यहाँ से भाग पाएंगे। इनमें से ज्यादातर लोग उस लड़की को छोड़ने की बात करते हैं जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। मगर इसके बाद ये गेम खेलकर ये डिसाइड करते हैं जिसकी लकड़ी सबसे छोटी होगी वही यहाँ रुकेगा। सभी स्टूडेंट्स डर डर के एक एक स्टिक चुनते हैं। इसके बाद बारी आती है अपने अपने स्टिक दिखाने की। इनमें से एक लड़के की स्टिक बहुत छोटी थी, इसलिए अपनी स्टिक दिखाने से वो बहुत डर रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर उनमें से एक लड़का हीरोपंती दिखाता है। वो अपनी स्टिक को तोड़कर उसे सबसे छोटा कर देता है और फाइनली उसे ही रुकना पड़ता है। इसके बाद वो लड़का एक लोहे के डब्बे को जोर से बजाकर उस क्रिएचर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। बाकी के स्टूडेंट्स फटाफट भागने की कोशिश करते हैं। वो क्रिएचर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब जब उस लड़के का मरना ऑलमोस्ट फिक्स ही हो चुका था, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और जिस लड़के की स्टिक सचमुच छोटी थी, वो एक मशीन की मदद से उसे फ्रीज कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि इसे फ्रीज करके रोका जा सकता है। दोस्तों, ये वही दोनों भुक्कड़ थे जो खाने के लिए दुकान में घुस गए थे। इसके बाद जिमिन भी वहाँ आकर उस निशान को देखता है जिसे उन स्टूडेंट्स ने अपनी मदद के लिए बनाया था। दूसरी तरफ वो क्रिएचर एक बार फिर ठीक होकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, मगर इस बार ये लड़के अकेले नहीं थे, क्योंकि जिमिन वहाँ आकर उन्हें उस क्रिएचर से बचा लेता है और निशानेबाज येरी उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश होते हैं। बड़ी बहादुरी से इन स्टूडेंट्स ने खुद को बचाए रखा था। इसके बाद सभी आर्मी कैंप्स में वापस चले जाते हैं, मगर वहाँ जिमिन को उसके सीनियर से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। यहाँ तक कि वो जिमिन को बंदूक दिखाकर उसे कहते हैं कि अगली बार तुमने ऑर्डर्स के खिलाफ जाने की कोशिश की तो इसका निशाना तुम भी हो सकते हो। कुछ वक्त ऐसे ही आर्मी कैंप में बिताने के बाद ये स्टूडेंट्स भी आर्मी की ड्रेस पहनकर एक साथ मजे करने लगते हैं। इनमें से एक लड़का सबकी वीडियो बना रहा था। इसके बाद हम सभी ऑफिसर्स को मीटिंग करते हुए देखते हैं। इस मीटिंग में इन्हें पता चलता है कि अब बड़े स्पेयर और छोटे स्पेयर दोनों ही रोड पे गिरने में लगे हैं। सीनियर उन्हें बताता है कि हमने इन क्रिएचर से लड़ते लड़ते आधी आर्मी को खो दिया है, इसलिए जिस काम के लिए स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी थी, अब वो मिशन एग्जीक्यूट करने की बारी आ चुकी है। जिमिन को उनसे बात करने के लिए कहा जाता है। अगले सीन में जब जिमिन उन्हें इस बारे में बताता है तो वो सारे डर रहे थे। ऐसे में जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब के सैंपल कलेक्ट करने के लिए क्या बहाना बनाएगा। पर ये सुनने के बाद स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे। उन्हें ना तो कुछ खाने का मन कर रहा था और अपने पेरेंट्स की चिंता भी हो रही थी। वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहे थे और बस उदास होकर बैठे हुए थे, इसलिए जिमिन वहाँ आकर उन्हें स्पेशल तरीके से खाना बनाकर खिलाने की कोशिश करता है। वो सबको वापस हंसा देता है, यहाँ तक कि बच्चे सारी टेंशन भूलकर खुशी से उछल कूद करने लगते हैं। जिमिन उन्हें कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन क्रिएचर्स का अंत कब होगा, मगर मेरा तुम सभी से वादा है कि मैं तुम्हें हर हालत में प्रोटेक्ट करूंगा, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसके बाद सुबह होते ही जिमिन उन्हें एक डिवाइस चलाना सिखाता है जिसकी मदद से उन्हें आसपास के स्पेयर्स का पता चल सके। हालांकि अभी भी उस डिवाइस में चेंजेस किए जा रहे थे। खैर, सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल आर्मी ऑफिसर्स की तरह चौकन्ने होकर शहर की गलियों में आगे बढ़ते हैं। फिर जब रास्ते में उन्हें एक वेंडिंग मशीन दिखती है तो वो लोग उसमें से कोल्ड ड्रिंक्स निकालने लगते हैं, मगर तभी अचानक उन्हें उनके डिवाइस पे क्रिएचर के आसपास होने का सिग्नल मिलता है। उन क्रिएचर्स का पता लगाने के लिए इनमें से एक लड़का एक टॉय कार का सायरन बजाकर उसे आगे की ओर छोड़ता है और देखते ही देखते बहुत सारे क्रिएचर्स उस गाड़ी के आसपास आ जाते हैं और यहाँ एक्शन सीन की शुरुआत होती है। वो सभी मिलकर क्रिएचर्स पे गोलियां चलाते हैं,
जिसके चलते कुछ क्रिएचर्स तो मर जाते हैं मगर कुछ खिड़कियों से अंदर घुस के घर पे छिप जाते हैं। इसके बाद बाकी बचे हुए क्रिएचर्स को ढूंढते हुए ये ऑफिसर्स घर के अंदर चेक करने जाते हैं। वहाँ छुपे हुए क्रिएचर्स को मारने के बाद जब ये वापस जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक लेडी सोल्जर बड़ी बुरी हालत में मिलती है। इसके अलावा जिमिन को दो और सोल्जर्स घायल हालत में मिलते हैं और इनके साथ के कुछ सोल्जर्स मर चुके थे। उन सभी डेड बॉडीज को ये लोग अपने साथ ले जाते हैं, फिर कैंटीन में सब खाना खाने जाते हैं। इसके बाद उस लेडी सोल्जर को दिखाया जाता है जो खुद को गोली मारकर अपनी जान लेने की कोशिश करती है। ये खुद को मारने ही वाली थी मगर वहाँ जैनी आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। जवाब में लेडी सोल्जर कहती है कि मैंने अपने साथियों की मदद करने के बजाय उन्हें मारने के लिए अकेला छोड़ दिया, हमारे सीनियर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। फिर जैनी उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद वही करती जो तुमने किया। यहाँ इनकी बातचीत सुलझने वाली थी कि तभी वहाँ जिमिन भी आ जाता है। उसे देखते ही उस लेडी ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। वो जिमिन की तरफ बंदूक रखकर कहती है कि तुम भी वक्त आने पे सबको अकेला छोड़ के भाग जाओगे। फिर वो जिमिन पे गोली चला देती है लेकिन जिमिन का लीडर बीच में आ जाता है और वो गोली उससे लग जाती है। जैसे ही स्टूडेंट्स को गोली की आवाज सुनाई देती है वो सभी भागकर वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें घायल लीडर गिरा पड़ा दिखता है और लेडी ऑफिसर ने गन पकड़ी हुई थी। माहौल बहुत गर्म हो चुका था। जिमिन को अपने लीडर की चिंता हो रही थी मगर अच्छी खबर ये थी कि गोली लीडर के कंधे पे लगी थी इसलिए वो अभी भी जिंदा थे। उनका ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हें होश आ चुका था और जिमिन उनसे मिलने उसके पास आया था। यहाँ जिमिन के लीडर कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें लेडी ऑफिसर की गलती नहीं थी। दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिमिन को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को कैंप वापस जाने के लिए ऑर्डर देता है क्योंकि वो किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। रात को ये सभी स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर इस बारे में बात करते हैं। उन्हें पता था कि अगर जिमिन ने अपने मिशन को पूरा नहीं किया तो उसे उसके सीनियर से बहुत कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम येरी और उसके वन साइडेड लवर ह्यून को देखते हैं जो कि छत से लगातार पहरा दे रहे थे। ह्यून भी उससे अपने प्यार का इजहार करने की सोच तो रहा था मगर जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है उसे देखते ही इधर उधर की बातें करने लगता है। थोड़ी दूर एक चमकदार क्रिएचर दिखाई देता है। वो जाकर सीधा जिमिन को इस बारे में बताती है कि बाहर बहुत सारे क्रिएचर घूम रहे थे और उनका अगला टारगेट उनकी बिल्डिंग ही थी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन क्रिएचर से लड़ने के लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी मगर कुछ का कहना था कि अगर हम वापस गए तो हमारे वापस आने से पहले वो क्रिएचर्स बाकियों पे हमला कर देंगे। इन स्टूडेंट को इस तरह सीरियस होते देखकर जिमिन को दिल से खुशी हो रही थी। जिमिन और उसका लीडर मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक बिल्डिंग में बहुत सारे बॉम्ब लगा देंगे और वहाँ क्रिएचर्स को बुलाकर उन्हें उड़ा डालेंगे। इन लोगों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा था क्योंकि पूरी बिल्डिंग के आसपास सारे क्रिएचर्स इकट्ठे हो रहे थे यानी इनका अगला टारगेट ये बिल्डिंग ही थी। यहाँ सभी स्टूडेंट्स मिलकर बिल्डिंग में बॉम्ब लगा रहे थे और इसी बीच जिमिन आकर कमांडर से उन सभी का ध्यान रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो सभी दूसरी बिल्डिंग में पहुँच चुके थे मगर अभी तक जिमिन वापस नहीं आया था। उसके जाने से पहले ही क्रिएचर्स बिल्डिंग में घुस के सब जगह तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। जिमिन फायरिंग करके उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर उसे भी पता था कि गोलियां खत्म होने वाली थी। वो अपने लीडर से बिल्डिंग को उड़ाने के लिए कहता है मगर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। वो स्टूडेंट्स उसे अकेले नहीं मरने देना चाहते थे। जिमिन का लीडर बड़ी मुश्किल से बॉम्ब के बटन को प्रेस करने जा ही रहा था उनसे उस स्विच को नहीं दबाया जा रहा था मगर धीरे धीरे कुछ क्रिएचर्स बिल्डिंग से बाहर की तरफ जा रहे थे। जिमिन के कमरे का दरवाजा तोड़कर वो क्रिएचर्स उसके ऊपर हमला करने वाले थे और जिमिन इस वक्त भी स्माइल कर रहा था। फिर एक बड़ा धमाका होता है और ये पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स रोने लगते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जिमिन जिंदा बच पाया होगा या फिर नहीं और जिंदा बचे बाकी क्रिएचर्स का क्या होगा? वेल, ये सब शायद हमें इसके अगले सीजन में ही पता चलेगा। बट आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे छोटू से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।